सवाल कह रहे हैं, आप बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाते? ये गलत फहमी है, गलत बयानी है। फलस्तीन के बारे में मैंने बहुत सारे बयान रिकॉर्ड करवाए हैं, और ये मसला दो और दो चार की तरह है। सारी दुनिया जानती है कि फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब मसला ये है कि उस जुल्म से हम उनको बचाएं कैसे, इस पर गौर करना चाहिए। आवाज़ तो सब उठा रहे हैं, हमने भी उठाई है, लोग भी उठा रहे हैं, और यहूदी जो कुछ कर रहा है वो जुल्म है, बरबरीत है। पूरे रमज़ान उनका मस्जिद अक्सा में क्या कुछ किया इन लोगों ने। हमने भी ख़त्म कुरान पे उनके लिए बहुत अपनी तरफ से जितनी हम दुआएं मांग सकते थे मांगी हैं। तो देखें, इस वक्त जो है ना, दो काम हम कर सकते हैं। हमारे और आपके करने से वो कुछ नहीं होगा जो हमारे हुक्मरानों के करने से होगा। जमहूरी हुक्मरान देखते हैं कि हमारी पब्लिक क्या चाहती है हमसे। अगर पब्लिक भरपूर तरीके से फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के जितने भी ज़राए हैं, भरपूर एहतजाज करें, तो हमारे हुक्मरान भी एहतजाज करने पर मजबूर होते हैं। इस वक्त तैयब उर्दोगान जिस तरह इस फिलिस्तीनियों के हक में आवाज़ उठा रहे हैं ना, अगर जब तक ही हमारे सारे इस्लामी कंट्रीज़ के सरबराहान इस अंदाज से आवाज़ नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक बात बनने वाली नहीं है। कश्मीर के मसले पर भी ऐसा ही था, आवाज़ उठाने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरे मसाइल खड़े करके उस आवाज़ को दबाज़ हुक्मरानों ने भी उस वक्त आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे सियासी वो कुछ ऐसे वो धरने मरने ये सब चीज़ें, वो आवाज़ दब गई फिर। तो हमारे यहाँ लोगों में शोर नहीं है, एक मौजू चल रहा होता है, लोग उसकी तरफ आ रहे होते हैं, दूसरा टॉपिक छेड़ दिया जाता है। लोगों में ये शोर नहीं है कि वो उस दूसरे टॉपिक की तरफ लग जाते हैं। भाई आप उस छोटे टॉपिक को छोड़कर जो असल हदफ है आप उसको फोकस करो, उस पर आवाज़ उठाओ। देखें, अभी हैंडी कैम ने बहुत काम आसान कर दिया है। फिलिस्तीनियों पर पहले जो जुल्म होता था वो वीडियो की जीनत नहीं बनता था, अब क्या हुआ है कि लोगों के पास कैमरे हैं, लोग फिलिस्तीनियों की शजाअत देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे हैं, एक बच्ची को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो मुस्कुरा के गिरफ्तारी पेश कर रही है। ये नर लोगों का काम है, शेरों का काम है। ये फिलिस्तीन के जो अरब मुजाहिद हैं उनकी अजमत को करोड़ों दफा सलाम है, जो बहादुरी के साथ वो डटे हुए हैं। शायद हम और आप के साथ अगर ये कुछ होता तो शायद हम और आप ये इस्तेमामत ना दिखाते, लेकिन दुनिया ने उनको निहत्ता छोड़ दिया है। उनकी मदद भी क्या हो रही है, इनको रोटी पहुंचाओ। ओ भाई, एक आदमी आपको कलाशनकोफ से मार रहा है तो उसका हल ये कि उसको चाकू तो दो कम से कम दिफा करने के लिए, तो चाकू देने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा बात होगी, इनके भूखों को रोटी खिला दो और इनके जख्मियों का इलाज कर दो। तो असल फिलिस्तीनियों की मदद जो हमारे हुक्मरानों पर लाजिम है, तमाम इस्लामी कंट्रीज पर लाजिम है, कि जब फिलिस्तीनियों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं तो गोली के दिफा के लिए उनके पास ढाल तो हो, कम से कम चाकू तो हो लड़ने के लिए। तो ये दुनिया को लारे रपे देखे ना, फिर इस वजह से ये जो फिर एहतजाज हो रहे हैं ना, जिस तरह इस पे फिर इंसान का खून और जलता है कि यार तुम तो उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। एक आदमी मर रहा है, पिट रहा है, आप कहे उसके मुंह में रोटी डालो, इसको निवाला दो, इसको वो रोएगा, कहेगा मुझे निवाले की जरूरत नहीं है, जो मुझे मार रहे हैं मुझे दिफा के लिए कोई चीज दो। तो ये बहुत बड़ा इशू है भाई, हमारे हुक्मरानों पर हमें दबाव डालना चाहिए। हमारे हुक्मरानों पर हमें, हम जो अपोजिशन है उसको भी चाहिए कि अपने इख्तलाफ भुला के हुकूमत से ये मुतालबा करे कि अगर आप फिलिस्तीनियों के हक में यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाते हो मिलके, हम अपने इन हुकूक से दस्तबरदार होने के लिए, हुकूक से मुराद इन मुतालबों से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा जानदार काम कोई कर नहीं रहा है, तो हर आदमी बस एक ऐसा मालूम होता है कि बहुत, सब तो नहीं कह सकते, बहुत से लोग अपने जहां कोई ऐसा इशू खड़ा होता है ना, अपने कुछ सियासी मफाद हासिल करते हैं। बस हर केस में ऐसा ही होता है, अपने यानी यूं समझे कि एक इस तरह की केसेस को कैश करा के अपने आप को प्रमोट करना और लोगों के सामने बाबर कराना कि मैं बहुत मजलूमों के दिफा के लिए, मेरे अंदर बहुत बड़ा जज्बा है। प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसलिए ये जो हमारी जितनी भी सियासी तंजीमें हैं, सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी बनती है ये कॉल करें, ये लोगों को बुलाएं, बोले भाई कंटेनर रखे जाएंगे, मुतालबात होंगे, हम अपने वजीर आजम पर दबाव डालेंगे, आपने ये आवाज़ उठानी है। ये सऊदी अरब में भी हो, पाकिस्तान, तुर्की तो कर रहा है काफ़ी हद तक, मलेशिया में भी हो, तो सारे मुल्कों के सरबराहान की जब आवाज़ें इकट्ठी होंगी तो फिर एक जान पैदा होगी इस नारे में, इस दावे में। वैसे अगर आप करते रहेंगे, दुआएं तो हो रही हैं उनके लिए और कुछ ट्रस्ट हैं जो उनको खुराकें भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये मदद का जानदार तरीका नहीं है। फिलिस्तीनियों को यूनाइटेड नेशन भी हक देती है। ये मसला अभी तक ऐसा है कि यूनाइटेड नेशन बुनियादी तौर पर फिलिस्तीनियों के साथ है, अमेरिका वेटो पावर इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशन को कोई फैसला करने नहीं देता। मैं हैरान हुआ था जब मैंने अपने तौर पे तहकीक की कि पूरा यूरोप इस वक्त फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है, सिवाय लंदन के और अमेरिका के। ये दो मुल्क इस मामले में खयानत करते हैं,
یہ لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, یو ایس اے اور یو کے, باقی غیر مسلم بھی اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ہیں. تو اس میں تو اگر مسلم کنٹریز متحد ہو کے یونائٹڈ نیشن میں مضبوط طریقے سے آواز اٹھائیں تو آپ کے حق میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ غیروں کا نہیں ہے, مسئلہ اپنوں کا ہے. ان تلوں میں تیل نہیں ہے, اور اپنوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے, عوام کا مسئلہ ہے. عوام کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو استعمال کرتے ہیں, عوامی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ ملک کا فائدہ کس میں, عوام کا فائدہ کس میں. تو اس لیے بھائی اس میں جو ہے نا کچھ جو ہماری سیاسی تنظیمیں ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت بھرپور طریقے سے, ابھی یہ مسئلہ گرم ہے, ساری دنیا ویڈیوز دیکھ رہی ہے, لوگ جمع ہو جائیں گے آپ کی دعوت پر, تو اس طرح سے تو مؤثر کام ہو سکتا ہے, ورنہ جس طرح سے ہو رہا ہے اس طرح سے یہ ان کے بس یوں سمجھو کہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور کشمیر کا بھی یہی ہے, جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو بھائی آپ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پر کتنے بڑے بڑے دھرنے ہو جاتے ہیں ہمارے, چھوٹے چھوٹے مسائل پر, اور کیسے حکومت پہ مطالبات منوائے جاتے ہیں, تو یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں. قرآن میں اللہ کا کیا ارشاد ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اس کو شاعر نے اس آیت کا ترجمہ شعر میں کیا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب ہمیں اپنی حالت کے بدلنے کا خود ہی خیال نہیں ہے تو اللہ بھی ہماری حالت کو تبدیل نہیں کرے گا. دیکھو جو فلسطینی مجاہدین ہیں جو شہید ہو رہے ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے, ان کی آزمائش نہیں ہے یہ, آزمائش ہماری ہے, یہ ان کی آزمائش نہیں ہے. انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا, کئی دہائیاں ہو گئی ہیں وہ یہودی کا بیت المقدس کا قبضہ نہیں ہونے دے رہے, یہ ان کے نر ہونے کی علامت ہے. وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو چکے ہیں, مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. ہم نہ کہیں الٹے لٹکے ہوئے ہوں قیامت کے دن, ہمارے حکمران لٹکے ہوئے ہوں. تو اس لیے اپنی جو سوچ ہے نا, اپنا جو مطالبے کا جو ہدف ہے اس کو ایک کرنے کی ضرورت ہے. پوری قوم کی کاس ایک ہونی چاہیے, ہدف ایک ہونا چاہیے, اس پہ ڈٹنا چاہیے.